वेलकम टू यूनिक इंडियन किचन। आज हम बनाने जा रहे हैं पंजेरी। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो देखते हैं। गेहूं का आटा, तेल, शुगर, कद्दूकस किया हुआ सूखा नारियल। अब एक बॉल लेंगे, उसमें आटा ऐड करेंगे। और थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करते हुए एक डो बना लेंगे। अच्छे से गून लेंगे। अब हम उसमें से थोड़ा आटा लेकर छोटी सी लोई बना लेंगे। अब हम रोटी जैसे पापड़ बेल लेंगे। अब हम उसमें से थोड़ा थोड़ा आटा लेते हुए पूरे आटे के पापड़ बेल लेंगे। अब हम उसे अच्छे से एक घंटे या डेढ़ घंटे तक सुखा लेंगे। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें तेल ऐड करेंगे, उसे अच्छे से गर्म होने देंगे। अब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें पापड़ ऐड करेंगे और अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। हमारा पापड़ अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। और वैसे ही बाकी पापड़ को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। अब हमने पापड़ों को अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम एक जार लेंगे, पापड़ों के छोटे छोटे टुकड़े बनाकर डाल लेंगे। और उसे थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे। अब हम इसे अलग प्लेट में निकाल लेंगे। ऐसे ही हम सारे पापड़ों को भी पीस लेंगे। अब हम इसमें शुगर और सूखा नारियल ऐड कर लेंगे और उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
अब हमारी पंजेरी रेडी हो चुकी है, अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। चरी और काजू से गार्निश कर लेंगे।